13 व 14 तारीख को गाजीपुर बॉर्डर पर जाने की तैयारी को लेकर भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने सिविल लाइंस के अंबेडकर पार्क में बुलाई एक मासिक बैठक। आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर करीब 8 माह से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। किसानों को आरोप है कि सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही है, जिसकी वजह से वह आंदोलन कर रहे हैं। जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता ऋषि पाल सिंह ने बताया कि संगठन को मजबूत धार देने के लिए उत्तर प्रदेश में मंडल प्रभारी बनाए गए हैं। उनको और अपने अन्य कार्यकर्ताओं के साथ वे 13 व 14 तारीख को गाजीपुर बॉर्डर जाएंगे। पूरी जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि यह हमारी आज मासिक बैठक कर रहे हैं, तो इसमें संगठन को मजबूत करने के लिए आज इसमें तमाम पूरे उत्तर प्रदेश में मंडल प्रभारी बनाए गए हैं। मंडल प्रभारी खटाना जी हमारे बीच में आ रहे हैं और हमारी मुख्य जो तैयारी है आज वो संगठन को आंदोलन को मतलब धार देना। यहाँ से 13 और 14 अगस्त को हम गाजीपुर बॉर्डर के लिए प्रस्थान करेंगे, जिसमें सैकड़ों हजारों वाहन इसमें होगा, भारी तादाद में गाजीपुर बॉर्डर पहुँचेंगे और इसके बाद वहीं किसान अपना डटेंगे। उसके बाद हमारी राष्ट्रीय महापंचायत मुजफ्फरनगर राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में होगी, जिसमें हम बता देना चाहते हैं कि सरकार समय रहते हुए जो कृषि कानून है इसे रद्द करने का काम करे और डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट उसे लागू करने का काम करे। जैसे आज उत्तर प्रदेश में 4 वर्ष से गन्ने पर कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, अगर सरकार 10 रुपये प्रति कुंटल भी बढ़ाती तब भी आज गन्ने का भाव 450 रुपये होता। चुनावी घोषणा पत्र में सरकार ने वादा किया था किसान की लागत का हम 1.5 गुना देंगे, तो वो 450 रुपये कुंटल मिलना चाहिए था। उसी अनुपात में अगर फसल में हम देखते हैं, गेहूँ का रेट 4000 होना चाहिए था, धान का रेट 3800 रुपये होना चाहिए था और सम्मान निधि कम से कम ये 6000 के स्थान पर 12000 होनी चाहिए थी, जो वो किसानों को नहीं मिल रही। हम कह रहे हैं एक देश एक रेट। एक देश एक रेट का मतलब ये है कि बिजली दिल्ली में सस्ती हो सकती है, आपके हरियाणा में सस्ती हो सकती है, पंजाब में सस्ती हो सकती है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं। अब तमाम अचानक गड्ढे गड्ढों में घटना और दुर्घटना हो रही हैं, ये बात हमने ज्ञापन जिलाधिकारी के महोदय के द्वारा शासन को भेजा है और उसमें अवगत कराया है कि घटनाओं को रोका जाए, गड्ढों को भरवाया जाए। तो आज यहाँ हमारी पंचायत में कम से कम 2500 लोग यहाँ इकट्ठा हैं और उस पर पूरा विस्तार से इसे संगठन को बल देना है, जोड़ देना है और गाँव इकाई के अध्यक्ष का सम्मान करना है, जिला पंचायत का सदस्य उसका सम्मान करना है। तो आज यहाँ तैयारी है, क्रीम है पूरी आज पदाधिकारियों की, तो बहुत बड़ी संख्या में हमारे बीच में चौधरी बैराज सिंह जी भी बैठे हैं, डॉक्टर चरण सिंह बैठे हैं, तमाम ब्लाक अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष मनोज चौधरी हैं, तो इसमें तहसील अध्यक्ष ब्लाक अध्यक्ष सभी का सम्मान करते हुए हम ये बात कहना चाहते हैं कि मोरावा जनपद का संगठन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार विचार करे, किसानों की समस्या का तुरंत निदान करे, हल कराए। आपकी बाइट ले लो इसमें। भारतीय किसान यूनियन द्वारा आज मुरादाबाद में सिविल लाइंस के अम्बेडकर पार्क में मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि 13 और 14 अगस्त को सारे किसान एकत्रित होकर गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचेंगे। मैं हनी अग्रवाल, आज मीडिया ग्रुप से कैमरामैन सनी के साथ।